एक्सरसाइज 13.6, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका जो बेस का सर्कमफेरेंस है वो 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड इट्स हाइट इज 25। ये पूरा हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? कंडीशन दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये कंडीशन दिया हुआ है। और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस 132 दिया हुआ है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, बेस तो एक सर्कल है और सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 132, 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7, पाई के जगह पर हम 22 बाई 7 लिखते हैं, ये आया 132। तो यहाँ पर 7 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 2 इंटू 22 डिवाइड हो जाएगा, आर इक्वल टू हो गया 132 मल्टीप्लाई 7 बाई 2 मल्टीप्लाई 22। इसको काटेंगे तो आया 66, फिर काटेंगे तो आएगा 3, तो टोटल इसका रेडियस आया 21 सेंटीमीटर। और जब रेडियस आ गया है, हाइट दिया हुआ है हमको, इसका कैपेसिटी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हाउ मेनी लीटर पूछा है, दैट मीन्स हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22 बाई 7, तो आर का वैल्यू 21 लिखेंगे, दो बार लिखना पड़ेगा स्क्वायर है तो, और हाइट लिखेंगे 25। इसको काटेंगे 3 से तो 3 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 इंटू 25, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देगा तो लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो 34650 को हम 1000 से डिवाइड कर दिए, एक जीरो यहाँ से कट गया, दो जीरो बचा है तो दो नंबर छोड़ के पॉइंट दे देंगे, 34.65 लीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 एंड आउटर डायमीटर इज 28, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर एंड द मास ऑफ द पाइप। तो आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को माइनस करने से हमको मास पता चलेगा, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम हम किसका निकाल रहे हैं, पाइप का निकाल रहे हैं, पाइप सिलेंडर शेप का होता है, तो हो जाएगा पाई, आउटर रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया, पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, लेंथ दोनों में सेम रहेगा, लेंथ दिया हुआ है 35, तो देखो यहाँ पर पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 35 और आउटर डायमीटर दिया है 28, तो आउटर रेडियस 28 का आधा हो जाएगा 14 और इनर डायमीटर दिया है 24, तो उसका आधा हो जाएगा 12, तो 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये 75 जो 35 होता है इसको काट दिए, 22 मल्टीप्लाई 5 बचा, इसको एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, 5 2 10, तो 110 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 22, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2860 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 18 16 17 4 5
5720 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया है, हमको मास फाइंड करना है। तो 0.6 ग्राम मास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो मास हो जाएगा 5720 मल्टीप्लाई 0.6। इस पॉइंट को हटाएंगे अगर तो यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे में। अब 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा 12, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 5 से 30 प्लस 4 34। तो 3432 ग्राम, इसको चाहेंगे तो केजी में चेंज करेंगे, 3 केजी 432 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स, ए टिन कैन विथ डायमीटर रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 एंड विड्थ 4 हैविंग हाइट 15। तो सॉफ्ट ड्रिंक है, एक वो क्यूबॉइड शेप के डिब्बे में आता है इस तरह से, उसका लेंथ दिया हुआ है 5, ब्रेथ दिया है 4 और हाइट दिया है 15। और दूसरा एक प्लास्टिक सिलेंड्रिकल वेसल में आता है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया है 7, मतलब रेडियस हो जाएगा 7/2 और हाइट दिया है 10, हाइट हो गया 10। हुच कंटेनर इज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा या इसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, हमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टीन कैन, वॉल्यूम ऑफ टीन कैन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 5 × 4 × 15, 5 × 4 = 20, 20 × 15 = 300 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंच, 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/2 × 7/2 और हाइट 10 दिया हुआ है, 7 7 कैंसिल, 2 5 = 10, 2 11 = 22, पाई आर 55 × 7, 5 11 = 55 × 7, तो 7 5 = 35, 7 5 = 35 + 3 385 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। तो देखो इसका वॉल्यूम आया है 300 और इसका है 385, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर होगा, देयरफॉर प्लास्टिक कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, ठीक है, बाय कितना ज़्यादा, ये 385 है और पहला 300 था, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ज़्यादा है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा कैपेसिटी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 94.2 दिया हुआ है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 πr, जो कर्व सरफेस एरिया है उसी को बोलते हैं। यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेने कहा है और रेडियस तो हमको फाइंड करना है, हाइट दिया हुआ है 5, ये हो गया 94.2, 2 πr, r मल्टीप्लाई 5। तो देखो ये सारे जो मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो रेडियस हो जाएगा 94.2 अपॉन 2 × 5 × 3.14, ठीक है।
3.14, तो नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, और 94.2 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। अब जो जो कटेगा उसको काट देते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 314 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 942 होगा, तो 3 और 10 और 2 और 5, तो 5 2 जो 10 होता है और 2 1 जो 2 होता है, तो बचा 3, तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.942 आ जाएगा, और 15, तो 942 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, सपोज एक सिलेंड्रिकल वेसल है, और इसके अंदर का सरफेस को पेंट करने में 2200 रुपीस खर्चा हो रहा है, इसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। जो खर्चा हो रहा है वो 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा जितना खर्चा हो रहा है टोटल, और पर मीटर स्क्वायर जितना खर्चा हो उसको डिवाइड करने से आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया। सेकेंड हमको फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH इक्वल टू 110 होगा, है ना, इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH, इसका वैल्यू कितना है 110, तो अभी यहाँ पर 2 × 22/7 रेडियस तो फाइंड करना है और हाइट 10 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा आर इक्वल टू 110 × 7 अपौन 2 × 22 × 10, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 11 2 जो 22, तो रेडियस है 7/4 मीटर। नेक्स्ट है कैपेसिटी फाइंड करना है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 × 7/4 × 7/4 × 10, 7 7 कैंसिल हुआ, 2 2 जो 4 2 5 जो 10, 2 11 जो 22, यह हो गया 77 × 5/4, तो 5 7 जो 35 385/4 होगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जो 36, 4 6 जो 24, 96.25 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 154 15.4 लीटर, तो एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, तो 1000 लीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब।
ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर, तो 15.4 लीटर इक्वल हो जाएगा 15.4/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये वॉल्यूम आ गया इतना, अब इसी का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू हो गया 15.4/1000। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 15.4/1000। अब पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, रेडियस हमको फाइंड करना है, हाइट दिया है 1, 15.4/1000, 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 22 डिवाइड होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल हो गया 15.4/1000 मल्टीप्लाई 7/22। यहाँ पर पॉइंट है, इसको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 और ऐड हो जाएगा, तो 40 हो गया। इसको काटेंगे 22 से तो 7 आएगा, तो 7 दो बार आ रहा है और 40 है, मीन्स 100 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल हो गया 7/100 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 7/100, दैट मीन्स 0.07 मीटर। इसके बाद हमको फाइंड करना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट वुड नीडेड टू मेक इट, क्योंकि क्लोज सिलेंडरिकल वेसल है, हमको टोटल सर्विस एरिया हम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल एच प्लस आर, 2πr h+r ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 × 22/7 आर हमारा निकला है 0.07 हो गया 1 + 0.07, इसको अगर काटेंगे तो आएगा 0.01। 44 × 0.01 × 1.07, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर क्यूब।